बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मेरा क्रम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद राहुल जी भूल गए थे और आदरणीय के बाद मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या पढ़ पाऊंगी। घर की बेटियां और बहुएं हमेशा अपने बड़ों के बाद ही बोलना सीखती हैं। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए, इस सम्मानित मंच को नमन करते हुए, मंच पर आसीन सभी श्रेष्ठ कवि गणों को नमन करते हुए, आप सभी श्रोताओं को मंच की इस नन्ही कलम का सर्वप्रथम प्रणाम। मैं जब से आदरणीय जुनेजा जी कह जा रहे थे कि मैंने 15 दिन पहले किताब भिजवा दी है उसी में से पढ़ के बोलना है, तो मुझे ऐसा लगता आज टेस्ट या एग्जाम है यहाँ पे मेरा और मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि 25 दिन से तो मैं घर ही नहीं गई हूँ। आज के बाद ही शायद मैं कल परसों में घर जा पाऊंगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एग्जाम में क्या लिखूँ आज के। लेकिन फिर मैंने वही जो मैं बचपन से करते आई अपनी परीक्षा के दौरान, आंखें बंद की और अपनी माँ को याद किया, बस वहीं से मुझे प्रेरणा मिल गई कि उस वीर माँ ने जिसने ऐसे वीर महापुरुष को जन्म दिया उसके बारे में कुछ लिखूं। तो यहीं बैठे बैठे 4 पंक्तियां मैंने उस वीर माँ के लिए लिखी है। यहाँ बैठी सभी नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए वो गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मुझे डर इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि बचपन से ही मैं आप लोगों के साथ ही रही हूँ। खालसा स्कूल से ही मैंने पढ़ाई लिखाई की है और आज मुझे वही समय याद आ रहा है कि मैं बचपन में रागी जत्तों के बीच में बैठ करके शब्द कीर्तन किया करती थी हारमोनियम बजा करके। तो जो 2 पंक्तियां मुझे बेहद प्रिय थी और सुबह प्रार्थना के समय मुझे स्कूल में मैं बच्चों को गवाती थी, तो उन 2 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूंगी। आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की ढेरों बधाइयां देती हूँ और उस गीत के साथ अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूंगी। सर्वप्रथम इस भारत देश की उस धरा को नमन करती हूँ जहाँ ऐसे वीर महापुरुषों का जन्म हुआ है। 4 पंक्तियां अपने भारत देश को सौंपते हुए अपने उस गीत को प्रारंभ करूंगी। आप सभी अपनी देशभक्ति का एहसास मुझको करवाइएगा। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर। मेरे नानक मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे नानक मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। और एक मुक्तक पढ़ के अपने उस गीत की भूमिका बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे नारी शक्ति विराजमान है। नारी का सबसे छोटा स्वरूप बेटी, जिसपे कई अभियान चल पड़े हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस स्वरूप को एक मुक्तक भेंट करना चाहती हूँ। अगर आपके दिल में कहीं भी बेटी के लिए प्यार सम्मान या माने तो मेरा साथ दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी गर्व है कि मैं एक बेटी हूँ और इसीलिए वो मुक्तक आपके आंगन में पढ़ के वो गीत पढ़ूंगी।
विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि सम्मानित मंच पे तालियां नहीं बजाई जाती, इसलिए आप सब वाह वाह करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सब दिल से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और वही जयकारा मैं चाहूंगी कि मेरे काव्य पाठ पर भी लगाया जाए। आदरणीय जी ने मुझे बता दिया था कि यहाँ तालियां नहीं जयकारा करके बताया जाता है कि आपके दिल तक मेरी बात पहुंच जा रही है, तो वो गीत आपके आंगन में पढ़ती हूं और आप सभी मुझे बताएंगे कि किस हद तक मैंने नारी की मातृशक्ति की परिभाषा को गढ़ने की एक सार्थक कोशिश, एक प्रयास, सफल प्रयास किया है, स्वागत है। और मंच का भी आशीर्वाद। स्वागत है। भारत माँ की माटी ने लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता की सुते हैं और सुताए हैं, अपने दिल में मर जाने के, अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो कर के नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो कर के नहीं रही, ऐसी हिम्मतवर ताकतवर, ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बिटियों की गुड़ गाती हो भारत माँ की, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। और कुछ नाम इतिहास से पढ़ूंगी, अपने दिल में बसाइएगा। स्वागत। वीर अवंती बाई के चेनम मागुड़ को गुनिए तो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो, जीजा बाई वीर शिवामी, जीजा बाई वीर शिवामी हर सदगुण भर देती है, पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है, पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है, ऐसी वीर नारियों के प्रति, ऐसी वीर नारियों के प्रति मन में श्रद्धा पाती हूँ भारत माँ की, हाँ भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ूंगी, वो बंद मैंने यहीं पे यहाँ की मातृशक्ति को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए मुझे देखने की जरूरत पड़ रही है, आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा फिर से। स्वागत। जिनके पूतों ने बलिदानी राग हमेशा गाया है, जिनके पूतों ने बलिदानी राग हमेशा गाया है, जिनने बच्चों को सच पर मर मिट जाना सिखलाया है, लाल चढ़ा करके अपने, लाल चढ़ा करके अपने है सिख धर्म को धन्य किया, जिन माओं ने अमर वीर साहिब जादों को जन्म दिया, जिन माओं ने साहिब जादों को जन्म दिया, मातु गुजरी
शिशवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं।